सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर से कांग्रेस ने अनुभवी नेता खेल साय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से कांग्रेस सभी समीकरणों से अपनी जीत सुनिश्चित बता रही है। इसके उलट भाजपा ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस ने किसे उम्मीदवार बनाया है ये उनका अंदरूनी मामला है, मगर भाजपा कमल फूल के निशान पर चुनाव लड़ेगी और फिर एक बार सरगुजा से कमल खिलेगा। दरअसल कांग्रेस ने सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक खेल साय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। खेल साय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जिनके पास राजनीतिक लंबा अनुभव होने के साथ ही 4 बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। मैं समझता हूं कि सरगुजा जिले में इनसे अनुभवी और कोई अभी आदिवासी लीडर नहीं है। सभी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो खेल साय जी योग्य उम्मीदवार हैं और बहुत अच्छे उम्मीदवार का चयन किया और निश्चित रूप से पार्टी को विजय हासिल होगी और भारी अंतर से खेल साय जी विजयी होंगे। प्रत्याशी कोई भी हो वो तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी विषय है। हमारा प्रत्याशी कमल का निशान होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने करके उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ की अधिकांश सीटों को हम जीतेंगे।